अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमे की रेसिपी। आज हम बीफ कीमा बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस कीमे को मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत चटपटा और मज़ेदार बनता है कीमा और जल्दी से तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने ये बीफ का कीमा लिया है, वो डाल रहे हैं। एक कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। वन टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। वन टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं। वन टेबलस्पून जीरा शामिल कर रहे हैं। वन टेबलस्पून दरदरा सा कूटा हुआ साबुत धनिया डाल रहे हैं। दो दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया, वो शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने कीमे को गलाना है, इसलिए हम इसमें एक गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और ढक्कन से हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हम पकाएंगे और फ्लेम को हमने मीडियम पे रख देना है। 20 मिनट हो चुके, अब हम इसे देख लेते हैं। कीमा अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहे हैं। ये हमने दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनको हमने छोटा छोटा कट कर लिया, वो शामिल कर लिया। दस से बारह हरी मिर्ची ली थी, उनको हमने छोटा छोटा कट कर लिया, वो भी हमने शामिल कर ली इसमें। अब हमने कीमे की भुनाई नहीं करी थी, इसलिए हमने इसकी भुनाई करनी है। इसी में हमारे ये टमाटर भी गल जाएंगे और कीमा भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। अब आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से भून चुका है। अब लास्ट में इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। ये कीमा तैयार है। बहुत मज़ेदार और चटपटा कीमा बनता है और इसको तैयार करने में तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं और ये तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।